ओल्ड एज होम आपने नाम पढ़ा ही है, और ये जो है देवाश्री मैम है, इन्होंने अभी माई तीर्थ इंडिया से जुड़ी है, उसके अंदर ये वर्क कर रही हैं। तो उनका फाउंडेशन डे है, तो उसे हम सेलिब्रेट करने आए हैं इस ओल्ड एज होम में। और यहाँ आके ये लगता है कि कैसे बच्चे हैं, कैसे अपने माँ बाप को छोड़ देते हैं, और जिन्होंने बड़ा किया है उनके साथ ये व्यवहार होता है। ऐसे ही जीवन में सारी चीज़ नहीं होती, प्रेम सबसे बड़ी चीज़ होती है, परंतु आज के बच्चे समझते नहीं हैं। आज के तो क्या या ओल्ड हैं हमारे से, तो पर क्या ही कर सकते हैं। पर चलते हैं अंदर और देखते हैं। कैसे बच्चे छोड़ देते हैं। दादी 107 साल की हैं, देखिए ग्लो कितना ग्लो कर रहे हैं अभी, अभी भी कितना ग्लो कर रहे कर रहे हैं, और हैं ना, हम तो स्माइल कह रहे देखिए। हैं स्माइल देखिए। मनोज आकर पर भाभी आसिल पापा मॉल ऐसे ही यहाँ पर और हैं दादाजी, और हैं। समझ नहीं आता है कैसे कोई बच्चा छोड़ सकता है, पर दादी को देखिए आप। कंपनी के साथ जुड़ी है जो कि है माय तीर्थ इंडिया, और उनका फाउंडेशन डे है, तो मैम आई है सेलिब्रेट करने सब बड़े बुजुर्गों के साथ, और इससे अच्छी जगह हो ही नहीं सकती है इस मोमेंट को सेलिब्रेट करने की। जानता हूँ वीडियो प्रॉपर नहीं है, एक्चुअली बहुत सारे पीसेस गायब हैं। हाँ एक्चुअली कुछ मोबाइल में भी इशू आ रही थी, तो उसके कारण वीडियो इधर उधर हुआ है, परंतु ये इसके अंदर आप देख सकते हैं कि हम ओल्ड एज होम गए, जहाँ पर बहुत सारे मतलब 107 साल की दादी और ऐसे बड़े बुजुर्ग हैं, और वो वहाँ रहते हैं। और देवाश्री मैम ने, अब तो हमारी दीदी हो चुकी हैं, तो देवाश्री दी ने मतलब इतना अच्छा काम किया, और अब इससे अच्छी चीज़ नहीं हो सकती कि आप सेलिब्रेशन करें अपनी जिस कंपनी में ज्वाइन हुआ है, तो ये बहुत अच्छा रहा। और वहाँ पे जो माहौल था ना, वो बहुत ही गजब था। दादा दादी से इसे बात करके अच्छा लगा, और इतने खुश हुए हैं वो, इतने खुश हुए हैं कि बता नहीं सकता। और ऐसे मैं बोलता हूँ कि आपको भी जाना चाहिए, अगर आप केयर करते हैं तो जाइए, मिलिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा, बहुत
आपको सीखने को मिलेगा, और ये भी सीखने को मिलेगा कि अपने माँ बाप ऐसे छोड़िए मत, जब तक है तब तक उनका ध्यान रखिए, और कोशिश कीजिए कि ऐसी हालत ना हो। ये तो अच्छा है कि ये रख रहे हैं, और ये अच्छा है कि बहुत केयरिंग लोग हैं वहाँ पे, तो ये बढ़िया चीज़ है। तो बस यही सारी चीज़ें रही थी उस दिन, और यहाँ पर माफ़ी भी चाहूँगा कि वीडियोस बहुत लेट हो गए हैं, बहुत सारे काम थे, बहुत सारी चीज़ें हुई थी, तो उसके कारण सारी लेट चल रहा है। तो सबसे पहले मैंने ये वीडियो एडिट किया है, तो आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, सजेशन देते रहिए, और वीडियो धीरे धीरे और इम्प्रूव होंगे, आपके सजेशन मिलते रहेंगे। तो चलिए अभी के लिए इतना ही रखते हैं, मिलेंगे जल्दी। भारत माता की जय, जय श्री शक्ति।